आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे की। आज उनके कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है, भीमताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सिसोदिया, ऐसी जानकारी है। दोपहर 12 बजे का वक्त है, भवाली में जनसभा को संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। भवाली के बाद अल्मोड़ा में भी जनसभा करेंगे मनीष सिसोदिया, ऐसी जानकारी है। अब अलग अलग हिस्सों में जाकर के लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं, चुनावी हुंकार एक तरीके से भर रहे हैं। और इससे पहले कल हल्द्वानी में जनसभा के दौरान उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 21 साल बाद भी बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद किया है और यहां के लोगों को छलने का काम किया है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि अब जनता केजरीवाल की चार गारंटी योजना पर वोट करेगी। मैं चारों दिन उत्तराखंड की जनता के बीच में रहूंगा और केजरीवाल जी की चार गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बाद मैं बात करूंगा लोगों के साथ में, यहाँ पे जनसभाएं करूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं, उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। चारों गारंटियाँ जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, वो चारों गारंटियों पर काम पूरी तरह से होगा। इस बार उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प है। उत्तराखंड का एक एक स्कूल उत्तराखंड के लोगों के एक एक वोट से बनेगा। इस बार उत्तराखंड के वोटों की ताकत से बनेगा। और इन्हें बता देना कि तुमको भी देख लिया, हमने कांग्रेस को वोट देके देख लिया, हमने बीजेपी को वोट देके देख लिया, इस बार तो वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा। उत्तराखंड में इस बार अपना वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा, ना कांग्रेस के नाम पे पड़ेगा, ना बीजेपी के नाम पे पड़ेगा, स्कूल के नाम पे पड़ेगा इस बार लोगों का वोट।